Definitely, my wife brought luck into my life. मैं जुनैद जमशेद का नाम लूँगा. अब वो नहीं रहे. I miss him a lot. मैंने strings का आगाज किया था. जो हमारे शुरू के दो तीन गाने थे उनमें से एक गाना था जादू. जादू का सफर वहाँ से शुरू हुआ और अब ये एक और जादू है. So it's interesting. This is Kaikisha Bukhari and you're watching me on Jio Digital. आज जो मेरे मेहमान हैं, जब उनसे मेरी ऑफ द रैकेट कुछ गुफ्तगू हुई इस रूम में, तो मैंने कहा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपको सामने देखना मतलब इट्स टोटली आज जो होने जा रहा है ना वो बिल्कुल फ़ैन बेस्ड इंटरव्यू होने जा रहा है. एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह जो बहुत सारे लोग हैं उनकी भी चाइल्ड हुड मेमोरीज रिकॉल हो जाएंगी उन्हें देख के. तो कौन है मेरे मेहमान आज दी चैट बॉक्स में? फैसल कपाड़िया इज विद मी टुडे. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. बस हम थोड़ा सा लेट भी हो गए, बड़ी माजरत आपसे, लेकिन आप इतने आपको फ्रेश देख के मैं फ्रेश हो गई हूँ मतलब. कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए. बिल्कुल ठीक. एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया गाना लॉन्च हो रहा है. जादू आपने जो है वो कर दिया. जादू है तुम्हारा मुझ पे सारा, तुम जब साथ हो. जादू है तुम्हारा मुझ पे सारा, जब तुम पास हो. So I'm excited about that. और देखें जिंदगी कहाँ ले जाती है. जब हमने स्ट्रिंग्स का आगाज किया था 1989 में, उस वक्त भी जो हमारे शुरू के दो तीन गाने थे उनमें से एक गाना था जादू. जादू का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और अब ये एक और जादू है. सो इट्स इंटरेस्टिंग. जब मैं जादू पे काम कर रहा था और नए म्यूज़िक पे अब मैं काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक लेबल, रिकॉर्ड लेबल भी लॉन्च करूँ जिसके थ्रू मैं अपना म्यूज़िक तो लॉन्च करूँ, लेकिन मेरा फोकस ये है कि मैं आगे जाके नए सिंगर्स, नए म्यूजिशंस, इमर्जिंग आर्टिस्ट, एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट, इन लोगों का म्यूज़िक भी उस रिकॉर्ड लेबल से रिलीज़ करूँ. That sounds really good. और वजह सिर्फ यही थी कि अगर 30-35 साल की जो जर्नी रही है इसमें जो कुछ सीखा है वो मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ. और अगर उनको किसी भी थोड़ी सी भी अगर मेरी तरफ से सपोर्ट मिलती है, सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड. आपका आइडिया तो बहुत ही कमाल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जादू के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ इट अबाउट. सो जादू इज़ अ वेरी हैप्पी सॉन्ग. यू नो यूजुअली स्ट्रिंग्स की जर्नी में मैंने ऑफकोर्स बहुत गाने गाए, लेकिन एक जब कोई मुझसे पूछता भी है, बात भी करता है, तो यू नो वो सॉन्ग लाइक जिंदा, ना जाने क्यों, आखिरी अलविदा, इवन फिर मिलेंगे, तो लोगों की एसोसिएशन मेरे साथ ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा डीप, लो वॉइस, डार्क सॉन्ग्स से ज़्यादा है. सो जादू जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इट्स वेरी हैप्पी सॉन्ग. रीज़न यही था कि यू नो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो भी बड़ी हैप्पी सी और काम टाइप की पर्सनैलिटी है. सो आई वॉन्टेड दैट टू कि वो मेरी पर्सनैलिटी नज़र आए. दूसरा ये, मैं एक और परेशान गाना जो है वो नहीं बनाना चाहता था. मैं चाहता था कि एक ऐसा हो कि 4 मिनट अगर बंदा सुने तो बंदा कहे कि यार चलो ठीक है, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे. उसके बाद परेशानियां तो हैं अभी. बिल्कुल ऐसे और है. ये परेशानियां करीब में तो दूर नहीं जाने वाली, लेकिन हम सब उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि ये परेशानियाँ दूर हों. सर आपने बहुत सारे लोगों का मूड जो है वो स्ट्रिंग्स के बाद से अब तक अगर आपकी जर्नी को देखें तो लाइट करते ही आए हैं, लेकिन अपना मूड किस तरह लाइट करते हैं? जब बहुत अभी जैसे मेरी कैफियत हुई भी थी ना कि बस मैं पहुंच जाऊं किसी तरह, बड़ा स्ट्रेस था. हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस? आई थिंक म्यूजिक रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और यू नो अब दुनिया इतनी चेंज हो गई है, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से आपके फ़ोन पे बिलियन गाने होते हैं और आपका जब भी दिल चाहता है. तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि मूड अच्छा करने के लिए म्यूज़िक जो है इट्स इम्पॉर्टेंट, ही अच्छी चीज़ है. कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो आपकी प्लेलिस्ट में टॉप पर होता है? मेरे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है. मेरी रमज़ान में एक अलग ही प्लेलिस्ट होती है जिसमें कोक स्टूडियो के बहुत सारे रिलीजियस गाने और भी बहुत सारे, वो पूरे रमज़ान मैं वही सुन रहा होता हूँ और इन्जॉय कर रहा होता हूँ. 80s, 90s के अलग जॉनराज हैं. यू नो पाकिस्तानी म्यूजिक भी 90s का और फिर अंग्रेजी म्यूजिक भी 90s का. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने. मुश्किल सवाल
कितने सारे नाम आ जाएंगे मेरा ख्याल है अगर आप नाम लेने बैठे तो, लेकिन फिर भी कोई एक नाम तो लेने, मेरा ख्याल है कि पता चलना चाहिए सबको कि आप किसे सुनते हैं। मुझे अंग्रेजी में कोल्डप्ले, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ जिनके आई थिंक अब उनका म्यूजिक भी इतना वो हो गया, डिवर्स हो गया है कि वो उसमें स्लो बैलेड्स भी हैं तो उसमें फुट टैपिंग डांस नंबर्स भी हैं, और इंडियन में अगर कहें तो मैं किशोर कुमार को बहुत उनकी प्लेलिस्ट में भी फन सॉन्ग्स भी हैं और सैड सॉन्ग्स भी हैं, और आजकल की जो पाकिस्तानी गाने हैं वो सारे बहुत ही मज़ेदार हैं। ये जो अब तो ये स्पॉटिफाई की प्ले लिस्ट होती हैं उसमें आपको तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के गाने बस सुनते जाएँ और खुद ही जो है वो चीज़ें आती जाती हैं सामने। क्योंकि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ तो खुद भी काम किया है और आप द परवीन इज़ वन ऑफ देम। उनसे ज़्यादा हम्बल इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है, लाइक जितनी वो बड़ी आर्टिस्ट हैं उतनी ही हम्बल हैं, यानी अगर आप उनसे मिलें तो आपको वो ये महसूस ही नहीं होने देंगी कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। चंद ही ऐसे लेजेंड्स हैं और जो रहेंगे जिनको आप सदियों तक याद करेंगे कि पाकिस्तान से ऐसे नाम आए, उनमें आबद परवीन जी हैं। और मैं तो अपनी खुशकिस्मती बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया और कोक स्टूडियो में उन्होंने हमारे साथ 3-4 गाने कलाम परफॉर्म किए, एंड आई वुड से कि दोज वर वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। कि अगर मैं कभी मुझसे आज से अगर ज़िंदगी रही और 20 साल बाद कोई इंसान मुझसे पूछे कि यार ज़िंदगी के इस म्यूज़िकल करियर में कोई ऐसे लम्हात शेयर कीजिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आबद परवीन साहब जो कोक स्टूडियो सीज़न 7 में उन्होंने छाप तिलक परफॉर्म किया था, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका जो पूरा एक्सपीरियंस था वो दैट वाज फिनोमिनल एक्सपीरियंस। और उसके बाद भी मेरी यू नो कभी कभार उनसे बातचीत होती रही और मुलाकातें होती रहीं, तो उसमें बहुत ही मज़ा आया। अच्छा ये तो मेरे ख्याल है कि आपकी भी फैन मोमेंट होगी उस वक्त उनके सामने। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैंने उनके साथ एक बार इंस्टाग्राम पे, जिस जमाने में कोविड था तो इंस्टाग्राम पे उनके साथ मैंने एक लाइव सेशन आपने किया था, जिसमें मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप कभी आइसक्रीम खाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार ख्वाब में आइसक्रीम खाई थी। ख्वाब में सोचें, तो रियलिटी में तो शायद खाती नहीं है, ख्वाब में उन्होंने एक बार आइसक्रीम खाई थी, उसमें भी उनका गला खराब हो गया था आइसक्रीम। ओह माय गॉड, ख्वाब में तो बहुत मज़ेदार बातें उनके साथ हुई, बड़ी अच्छी गपशप लगी हमारी। आपके एक और भी अगर फैन मोमेंट का कहा जाए तो बैक इन 2022 आप कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन से मिले थे। दैट वाज अ ह्यूज फैन मोमेंट फॉर मी अगेन। हाउ डिड इट हैपन? इट हैपन के कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था दुबई में, दुबई, एंड आई वाज देयर, और मुझे हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं जुनैद, उन्होंने कहा कि भाई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की आफ्टर पार्टी के इनवाइट है तो आप चलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो आई वॉज समहाउ, वो देखिए ना, वो एक मैनिफेस्टेशन होती है कि मेरे जहन में था कि मैं जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू सी क्रिस मार्टिन एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मीट हिम। और यही हुआ, कभी कभार इंसान अपने दिमाग से सोचता है और वो होता है। आई वॉज लाइक मैं तो फैन की तरह पागल हो रहा था, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द म्यूजिक। तो बहुत पर्सनल जा, मैंने उनको पहले तो ऑफ कोर्स मैंने एक मद्दा की तरह बड़ा उनका वो किया, और उसके बाद मैंने कहा कि यू नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम अ म्यूजिशियन माई सेल्फ एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड कोक स्टूडियो, बिकॉज मुझे पता था कि उन्होंने अमजद साबरी साहब मरहूम की गायकी जो है अपने किसी गाने में यूज़ की है, तो उस हवाले से फिर मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया। सो ही हैड हर्ड अबाउट कोक स्टूडियो एंड ऑफ कोर्स अमजद साबरी साहब, तो बस उस हवाले से हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू रही, एंड दैट इज अगेन वन मोमेंट दैट आई विल ऑलवेज कीप इट एंड चेरिश। आई थिंक हम सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, जैसे हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, और पता नहीं कितने लोग आपसे ये बात कह भी चुके होंगे, इसमें शायद आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, लेकिन हाउ वाज यू एज अ चाइल्ड?
I was a simple child. मेरे जो siblings हैं, मेरे भाई बहन, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं. तो मेरे तीन भाई और बहन, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे सारे भाई अमेरिका मूव हो चुके थे. तो मेरा बचपन जो है वो बड़ा लाड में गुजरा, क्योंकि ये सब बड़ा ख्याल रखते थे. बाहर से आते थे तो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर आते थे. इनफैक्ट मेरा पहला एक कीबोर्ड था कैसियो का, VL टोन 1, वो भी मेरे भाई मुझे ला के दिया था. और फिर मेरी बहन ने मुझे बचपन में बड़ा सपोर्ट किया, हारमोनियम ला के दिया और मुझे म्यूज़िक की क्लासेस लगवाई उन्होंने. तो उस तरह से बड़ा पैम्पर्ड बचपन गुजरा. ट्रैवलिंग बहुत की बचपन से, अभी भी आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं? अभी भी करता हूँ. तो वो शायद वो बग था बचपन से. अब्बा जो है, मुझे 1978 में मैं 7 साल का था, तो आई वेंट टू डिज्नी वर्ल्ड टू सी वर्ल्ड और ये सारी चीज़ें. तो हम हिंदुस्तान और अमेरिका ये एवरी समर वेकेशन में 2-3 महीने के लिए जाते थे. तो कोई बस सोच ही सकता है कि हम कभी हिंदुस्तान जाएंगे. तो इस तरह चाइल्डहुड बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा. पेरेंट्स ने और भाई बहनों ने हर चीज़, ऐसा नहीं था कि हम कोई बहुत ही फाइनेंशियली रिच थे, लेकिन उन्होंने अपने हद में रह के जो कुछ भी वो प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की. So, उस हिसाब से I was a happy child. तभी you are a happy soul. नहीं, अल्लाह का करम है that, you know, नहीं, it reflects on your face. Whenever I see you in interviews, तो पता चलता है कि आप, जब आप अंदर से खुश होते हैं, I think जब आप ऊपर से खुश होते हैं. शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं आपके सामने सही कह भी सकती हूँ. नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा सर, ये बताएं, 1989 में आपने स्ट्रिंग्स बना और 1989 में ही आप अपनी वाइफ से मिले. बिल्कुल. सो इट मींस के लेडी लक वाज स्माइलिंग एट यू एट दैट टाइम. बट हाँ, लेकिन अभी एक, सॉरी मैं आपको कट करूँगी, लेकिन लकी कौन रहा, बैंड आपके लिए ज़्यादा लकी रहा या योर वाइफ? आई थिंक मेरे लिए तो दोनों ही बहुत लकी रहे. वो आई थिंक बैंड भी 30 साल इसीलिए चला कि मेरी वाइफ सीमा एंड बिलाल वॉज ऑल्सो मैरिड टू टीना. हम दोनों को हमारी वाइफ्स के बहुत सपोर्ट था. और हम दोनों जो थे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग थे. सो डेफिनेटली माई वाइफ ब्रॉट लक इन टू माई लाइफ एंड स्ट्रिंग्स गेव मी दैट, कहते हैं ना कि पैशन, एंड जो भी मेरी ख्वाहिशात थी वो स्ट्रिंग्स के साथ पूरी हुई. सो a great great combination, a great great journey as well. So ab aap jab apne bachchon ko dekhte hain, you skipped engineering, I heard it. Yeah, so that I see, main jab luck mein luck ki baat hoti hai to main ye ek particular incident, because I was into an engineering college in 1988 or 89, I don't remember that. Aur halfway meri term aadhi ho gayi thi aur mere bhai America se aaye aur he said ke why are you doing engineering, you know, we are a business family and you should do business. I said ke nahi, ab to admission bhi khatam ho gayi hai. To unhone kisi se jaan pehchan nikal ke mujhe late 4 mahine baad government commerce mein admission karwaya. Aur wo 4 mahine baad jab main gaya to mujhe Seema aur mujhe Bilal mile. Oh, to mera, main ye kabhi kabhar sochta hu, wo ek sliding doors karke ek movie bhi thi ke agar aap idhar na gaye idhar, to main agar national उस वक्त कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, अगर मैं यहाँ ना आया होता तो ये ज़िंदगी के दो बड़े अहम लोग आपको ना मिले होते. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक वो गेम चेंजर पार्ट आपकी लाइफ का इस कॉलेज से ही आया है. ओके, सो बच्चों को जब देख रहे हैं तो बच्चों को कोई आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं है लाइक अरमान एंड जीरो? अच्छा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू देम कि आप म्यूजिक करें या आप ये करें या आप वो करें. आई थिंक टुडेज जनरेशन इज वेरी इंटेलिजेंट. यू नो, शायद व्हेन वी वर ग्रोइंग ओल्ड हमें होता था कि हम बड़ों से एक्सपीरियंस लें और उनसे सीखें. बट ये जनरेशन शिफ्ट में चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि आई डोंट थिंक दैट आई कैन गाइड देम फॉर फ्यूचर, बिकॉज ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ऑल द थिंग्स, जिस तरह काम होता था वो सब चेंज हो गया है. अब
क्योंकि आपके चाइल्डहुड पर हमने बात कर ली, कुछ पर्सनल लाइफ पर भी बात कर ली, अब दोस्ती पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि दोस्ती और स्ट्रिंग्स का भी बड़ा कनेक्शन रहा है. कुछ गाने ऐसे हैं दोस्ती के लिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे. सो आपकी और बिलाल की दोस्ती तो हुई, लेकिन मैंने सुना है कि दोस्ती गहरी तब होती है जब उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, हल्का फुल्का तू तू मैं होती है. कभी ऐसा हुआ? क्योंकि आप लोग साथ ही तो बड़े हुए हैं. आई थिंक हम लोग दोस्त से ज़्यादा हम लोग वर्किंग पार्टनर्स थे और कोलीग्स थे. इसलिए सरप्राइजिंगली आप कहें हमारी कभी नोकझोंक नहीं हुई, हर वक्त ही साथ होते थे. स्पेशली जब टूरिंग होती थी तो हम लोग साथ ही ट्रैवल कर रहे होते थे हर वक्त. तो लेकिन जो हमारे दोस्त थे या हमारा जो एक वर्क के बाद का जो टाइम था वो हमारा अलग होता था. मेरे अलग दोस्त होते थे, बिलाल के अपने दोस्त या कजन्स होते थे जिनके साथ. बट पॉइंट ये है कि हम लोग 7-8 घंटे तो रोज़ साथ ही गुजारा करते थे. तो उसके बाद की जो ज़िंदगी थी वो हमारी अपनी फैमिलीज के साथ या दोस्तों के साथ होती थी. बट वी नेवर फॉट आर्ग्यू. तो आर्ग्यू तो इस किस्म की होती है कि भाई हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि भाई इस गाने का नाम ये रख लेते हैं, नहीं नहीं इस गाने का नाम ये रख लेते हैं, ये क्यों रख लेते हैं, तो उसमें हम दोनों या ये कॉन्सर्ट करते हैं, नहीं ये कॉन्सर्ट नहीं करते, तो उसमें हम दोनों एक दूसरे से एक वो किया करते थे कि भाई कौन ज़्यादा पॉइंट्स दे के. वी कैन कॉल इट अ डिस्कशन. एब्सोल्युटली वेरी हेल्दी डिस्कशन. और इसी वजह से शायद स्ट्रिंग्स की जो सक्सेस रही है उसमें हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन किया करते थे और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो बेहतर होता था स्ट्रिंग्स के लिए वही हम डिसीजन लेते थे. तो हम दोनों एक दूसरे पे चेक रखते थे. काफ़ी सारी बातें हमने फैसल सर से पूछ ली हैं और आई होप कि अब तक आपको पसंद आ रही होंगी, लेकिन इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर. ओके सर, तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? रैपिड फायर से मुझे डर ही लगता है, लेकिन इसको आप एंजॉय करेंगे. योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट? बीड़ी जलाई ले. हाँ जी जी, वो काफ़ी टाइम पहले बड़ा फेमस भी होता था, चल रहा होता था इधर उधर. ओके, फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? मैं जुनैद जमशेद का नाम लूंगा, अब वो नहीं रहे. आई मिस हिम अ लॉट. हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? स्टोलन लेकिन चाइल्डहुड में आई मुझे लगता ज़रूर है लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. आई थिंक नहीं, मेरी ऐसी कैफियत भी नहीं है. मैं मांग ज़रूर लूँगा लेकिन नहीं नहीं याद. ओके, योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? माई फेवरेट बॉलीवुड मूवी हैज़ ऑलवेज बीन शोले रही है, जो कि काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा शोले. या आजकल के ज़माने में मुझे दिल चाहता है या दिल जिंदगी मिलेगी ना, जिंदगी या मिलेगी दोबारा. ओके, विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? बहुत सारे म्यूजिशियंस आई हैव वर्कड विद, यंग स्टनर्स. आई वुड लव टू वर्क विद अब्दुल हनान, शमून स्माइल एंड यू नो ऑल दीज, दे ऑल आर अमेजिंग. ओके, वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ एनी योर सॉन्ग? आई थिंक मेमोरीज बहुत हमने बनाई और मेमोरीज बहुत अच्छी अच्छी भी रहीं, लेकिन आई रिमेंबर जब हमने जिंदा किया था ये है मेरी कहानी, तो वो हमने 20 दिन का पूरा टूर किया था इंडिया का पूरी फिल्म क्रू के साथ. तो जॉन, संजय दत्त और हम, मैं, बिलाल, हमारी बेगमात भी हमारे साथ थी. तो वो एक अच्छा 20 दिन का टूर था जिसमें हम सब जाते थे, प्रमोट करते थे, फिर रातों को बैठ के गपशप मारते थे. वो 20 days were good if you're talking about work wise. But other than that, I have many memories with my families. I'm sure. Yeah. Karachi or Lahore? Karachi to hamesha se it's home. Always be home. But main recently pichle 6 mahine mein 2-3 baar Lahore gaya hu aur mujhe bada acha laga. So Karachi और उर्दू वाला और लाहौर बोथ. ओके, कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी. बिरयानी और निहारी? निहारी. अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से करीब रहे हैं? मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट. देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या थी? यूजुअली हमेशा सेम ही होती है कि
I want to be a better person. I want to work out regularly. I want to be closer to God. I want to help others. अब यही हर साल करता हूँ. अब शायद उम्मीद है कि हर साल थोड़ी थोड़ी अचीव होती हो. आई थिंक कोशिश की जाए ना हासिल हुसूल की, तो फिर चीज़ें इंसान हासिल हुसूल में लगा ही रहता है और वो ही जाती हैं एट द एंड अचीव. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इसके लिए. लेकिन जो लोग ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपने जादू सुना है. अगर नहीं सुना तो सुनिए, और जिन्होंने सुना है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि जादू में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.